हाय गाइस, देखिए आज मैंने क्या क्या बनाया है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, मैंने नूडल्स के लिए तैयार कर दिया, सब्जियाँ चॉप कर दी है। ये मैंने मंचूरियन बॉल्स बना दिए हैं, और वो सब्जियाँ भी मैंने थोड़ी सॉटे कर दी है, और ये ग्रेवी भी रेडी है। तो जब वो गर्म गर्म खाएंगे तब इसमें मिक्स करूँगी, तो ज़्यादा वो वेजिटेबल्स मेरी सूप सोक नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं शॉप। कि मैंने आपको दिखाया है कि मैं जा रही हूँ शॉप, और सब्जियाँ भी दिखाई चॉपिंग करिए। तो क्योंकि जब मेरे घर में है ना मेहमान आए हुए हैं, मेरी मैम की भाई की डॉटर आई हुई है, तो वो थर्सडे को नॉनवेज नहीं खाते हैं, इसलिए चाइनीज़ मंचूरियन बनाया। बिकॉज कल मैंने काफ़ी कुछ बनाया था पर वीडियो लेने का टाइम नहीं था, तो इसलिए आज मैंने चाइनीज़ मंचूरियन बनाया है, वेज मंचूरियन बनाया है, वो खा सकती है। सुबह मैंने बनाया था आलू परवल। नाम क्या है? बढ़िया। आप कौन सी क्लास में हो? थर्ड में। ये हमारे यहाँ पे जो प्रेस वाले भैया है ना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, ये उनकी डॉटर है, ये उनकी डॉटर है, प्रिटी गर्ल। ये देखिए गाइस, ये हमारे यहाँ के शॉप के भैया हैं, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और ये रही शॉप, और ये दूसरे भैया हैं, तो हम आए हैं सामान लेने। कितना हुआ बिल भैया? 71। चलिए पे करते हैं। तो मैंने ले लिया है सामान, ये रहा सामान, अब हम चलते हैं घर और जाके बनाएंगे नूडल्स, क्योंकि बच्चे आएंगे स्विमिंग पूल से, उनको लगेगी भूख। और मैं क्या पनीर पकौड़े की तैयारी करके आई हूँ, पनीर पकौड़े बनाऊँगी और उनके लिए फिंगर फ्राइज बना दूँगी। तो क्योंकि स्विमिंग करके आते हैं ना बच्चे, तो उनको भूख लग जाती है, थक के आते हैं। चलिए चलते हैं घर, बनाएंगे यम्मी यम्मी खाना। प्लीज़ गाइस एक लाइक करिए मेरी वीडियोज़ को, सरिता करशे ये। और ये देखिए नूडल्स बॉईल होते हुए, ये आई थिंक ऑलमोस्ट पक चुके हैं ये, और अब इसको छोंक देंगे। कैसा लग रहा है, कितना मस्त दिख रहा है नहीं? और ये रहे मेरे नूडल्स की वेजिटेबल्स छोटे हो रही है, इतनी गर्मी है, बच्चे एसी में बैठते और हमको गर्मी में मार देते दरवाज़ा बंद करके। ये डालेंगे अपने नूडल्स। और ये रहे मेरे नूडल्स तैयार। कैसी लग रही है शक्ल बताना मेरी, कैसे लग रहा है? कलरफुल दिख रहा है ना मस्त ये। तो आज हमारे घर में जो मेहमान आए हैं उनके लिए बन रहा है ये वेज नूडल्स, वेज मंचूरियन ये। थैंक यू। मैंने मार डाला, चेहरे का हाल देखिए। हाँ, पंखे के नीचे जन्नत जैसा महसूस हो रहा है भाई। हाँ, गर्मियाँ कब ख़त्म होंगी, कब कोई बताइए। तो आज देख सकते हैं, आज हमारी काम वाली दीदी नहीं आई है, तो ये सारे बर्तन, ये सारे बर्तन, ये इतने तो आज उनका सारा काम का लोड जो है मेरे ऊपर आ चुका है। ये बर्तन मैंने मांझ के रखे हैं, धोने हैं बस पानी से, तो आज बुरा हाल होने वाला है। काम इतना सारा काम करना पड़ता है। देखा आप लोगों ने, इतने सारे बर्तन धोने हैं, अब सारा मेरा काम का रूटीन भी है मेरे ऊपर, और मेरे दूसरी दीदी का मेड उनका भी काम का लोड में है मेरे ऊपर। अच्छा, पिदने वाली हूँ मैं, बट मैं तैयार हूँ। काम है, हंसते हंसते करेंगे, नहीं निकल जाएगा, काम करने से होते हैं, सोचने से नहीं। और अब मेरा फाइनली किचन के सारे बर्तन हो गए, देखिए सारे बर्तन धो दिए सारा, और किचन भी क्लीन हो गया, इतना अच्छा लग रहा है। मतलब बस किचन का काम निपटा है, खाना बन गया, नाश्ता पानी सब कुछ हो गया, बर्तन भी हो गए, अब बाकी काम बाकी है, झाड़ू पोछा, कपड़े सुखाने, दिन का खाना पीना,
चलिए करते हैं, लगे रहेंगे आज पूरा दिन। और बच्चे घर पे बैठे हुए हैं तो उनके लिए थोड़ा फ्रूट्स, गर्मी है ना इतनी, इतना ठंडा ठंडा वाटरमेलन लेंगे। चलिए बच्चों को दे के आते हैं। और ये रहा भैया का खाना, ये रहा बच्चों का खाना। अब लंच टाइम हो गया है, चलिए अब लंच लगाती हूँ। ये रही मेरी वो ड्रेस जो मैंने आलम भैया को बनने दी थी। तो ये ड्रेस भैया के मम्मी ने भेजा है मेरे लिए, भुवनेश्वर से कपड़ा भेजा था उन्होंने और मैंने इसका ड्रेस बनवा लिया। देखिए गाइस, दिन के 12 बज रहे हैं और क्या मौसम हो रखा है, बारिश हो रही है। चलिए दिखाते हैं आपको बाहर का। इट्स रेनिंग, आज का वेदर वाओ, कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए गाइस कितना सुंदर वेदर हो गया है, देखिए कितने सुंदर खिलखिलाते हुए फूल, भगवान ने क्या नज़ारा बना दिया है। आज तो कश्मीर जैसा लग रहा है, हरियाली चारों तरफ। मैं अम्ब्रेला में मौसम का मज़ा लेते हुए, आज बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ रहे हैं, जब हम स्कूल में पोएम गाया करते थे कि एरे एरे पाउसा दूला दे तो पैसा, पैसा जाला खोटा पाउसाला मोटा। लव दिस फ्लावर्स, इतनी ग्रीनरी हो रखी है आज, लवली। चम 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 चम, बचपन के दिन याद करते हुए। चलिए बचपन याद आ रहा है, बहुत ही सुंदर, ऐसा लग रहा है कोई होता काश मेरे साथ, बट कोई नहीं है, मैं अकेली आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडक, बारिश में मैं निकली हूँ मज़ा लेने के लिए वेदर का। ओह लवली वेदर। हाय गाइस, आई होप आपको मेरे आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नया है तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू। और अपना प्यार दिखाइए, प्लीज़ एक लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए, थैंक यू।